सो हिप्स गाइस का सब सो मैं आपका निकू और आप देख रहे निकू व्लॉग्स। गाइस कब सारे अपनी गैंग वाले भाई बोल रहे थे कि निकू भाई जंगल में जाओ। गाइस ये तो भाई छोटे मोटे जंगल है आसपास के, मैं तो भाई यहाँ पे जा के बोर हो गया। अब गाइस जो इंडिया का बहुत बड़ा जंगल है ना जिम कॉर्बेट, पूरी इंडिया में वहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स होते हैं जो आदमियों को खाते हैं। बहुत स्केरी जंगल है। ये देख लो गाइस पापा जी कुछ लेके आए हैं, मामा की लड़की की शादी है तो उसके लिए माला लेके आए हैं पैसों वाली भाई। ये देख लो गाइस बढ़िया। गाइस पिछली बार गुलदार वैली गए थे और वो तो गाइस कुछ भी नहीं है जिम कॉर्बेट के सामने। इस बार गाइस जिम कॉर्बेट जाएंगे भाई। हम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं। कब? तीन चार पांच दिन बाद, और वो भी रात को जाएंगे जिम कॉर्बेट के अंदर। यार रिस्क मत लो यार, वही रात वाला सीन भाई, वैसे रुकेंगे टेंट में बिल्कुल जंगल के बीच में रात को टाइगरों के साथ। तेरे साथ क्या हो चुका है, सेफ्टी जरूर रखियो। अब दो जो होगा देखी जाएगी क्या हो गया। गलत बात है भाई, मैं तो अलाउ करूंगा नहीं। वैसे और तेरी मम्मी का पता लगा तो रोग बुरा हो जाएगा। तू रिस्क क्यों लेता भाई ऐसा? रिस्क नहीं एडवेंचर है पूरा। बढ़िया, डर तो नहीं लग रहा सुन के? मेरे को थोड़ी लग रहा था। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? एडवेंचर के लिए कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट का नाम सुना है ना? सब कुछ सुना मैंने, बहुत डेंजर जंगल बताया। सबसे डेंजरस जंगल है जिम कॉर्बेट गाइस। वो इंडिया का सबसे डेंजरस जंगल है जिम कॉर्बेट। इतना बड़ा है ना गाइस, कोई घूम भी नहीं सकता उसके अंदर, जीप में भी। 440 वोट का शॉट लगा। मैं ना जाने दूं। क्यों? अरे ये मत करो, मैं जाने दूं। यार मौत क्यों जा रहा भाई तू? नहीं सेफ्टी के साथ जाएंगे पूरा। भाई टाइगर का क्या सेफ्टी रहेगा? टाइगर जाएंगे उससे क्या फायदा है? टेंशन तो होगी यार। ये आज तक का सबसे मस्त चीज होगी ना गाइस। जिसने भी काल मूवी देखी है ना अजय देवगन की, गाइस वो रिलेट कर सकते हैं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत खतरनाक मूवी है भाई, वो जिम कॉर्बेट के ऊपर बनी है। वहाँ की रिस्क वगैरह और जो जो वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है भाई, उस चीज के ऊपर बनी है। गाइस जो भैया हमें लेके जा रहे हैं ना भाई, वो आज घर पे आएंगे और पापा उनसे बात कर लेंगे सेफ्टी के बारे में। बाकी हम तो जाएंगे, मजे आने वाले हैं भाई साहब। ये देख लो गाइस जिम कॉर्बेट में कैसे टाइगर आते हैं भाई, इंसान पे अटैक करने वाले भाई। ये देख लो गाइस कैसे छुपा हुआ है, दिख भी नहीं रहा टाइगर इसके अंदर घासों के अंदर। ये देख लो गाइस कहां से आएगा भाई, भाई साहब ऐसे आता चुपचाप टाइगर। तू देख। मैं क्या देखूं? और दाने तू बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। गाइस जो वहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट होते हैं ना, वो सिर्फ जीप सफारी करके अपना एक दो घंटे में 6 बजने से पहले आ जाते हैं भाई, रात होने से पहले। पर जो भाई प्रॉपर टूरिस्ट होते हैं ना वहाँ पे, जो प्रॉपर देखने जाते हैं, वो पूरा एक्सप्लोर करते हैं जंगल को परमिशन लेके। लाइफ से मत खेल, मुझे ऐसे लोग की जरूरत नहीं दे रहेगी। अरे वीडियो के लिए थोड़ी कर रहे, एडवेंचर के लिए कर रहे हैं ना। हमारा कुछ भी नहीं है भाई। गाइस मैं एक चीज बता देता हूँ भाई, मैं वीडियो के लिए कुछ भी नहीं करता, ये मेरी खुद की चीजें हैं जो मैंने बहुत बचपन से सोच रखी थी कि ये भी करना है वो भी करना है, स्काई डाइविंग वगैरह सारी चीजें, तो वो मैं करता हूँ उसकी वीडियो बनाता हूँ। ये देख लो गाइस पापा गुस्से में देख रहे हो भाई। चलो मिल लेना उसे, ठीक है। बाकी गाइस फिलहाल मैं खा रहा हूँ खाना। ये देख लो गाइस आज मैंने खाना बनाया है। आज खाने में रोटी, आलू गोभी की सब्जी, सलाद और लस्सी। गाइस ये मेरे को किसने बनाना सिखाया है, तुम्हें पता ही है भाई किसने बनाना सिखाया होगा, कमेंट करके बताना। बाकी गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना। गाइस जो भाई हमें जिम कॉर्बेट लेके जा रहे हैं ना गाइस, उनको हमने बुलाया है ताकि पापा से बात कर ले, क्योंकि गाइस पापा मना कर रहे हैं भाई, कह रहे मत जाओ, गुस्सा कर रहे, कह रहे मत जाओ, घर में घुसने नहीं दूंगा अगर आए तो, बिल्कुल मना कर रहे हैं, साफ कह रहे घर से निकाल देंगे। पापा सेफ्टी की पूछना चाह रहे थे। ऐसा भाई साहब सेफ्टी पूरी है वहाँ पे, की वाइल्ड लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं अलार्म कॉल को। बिग कैट्स है, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, अगर उसकी मूवमेंट आसपास भी होती है तो वहाँ पे जो एनिमल्स की मूवमेंट है, बंदर है या जो भी है, वो कॉल करने लग जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि आसपास में कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, पर हमें उसकी टेरिटरी पर पता है। जंगल में इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। ये जो बेटा है ना, ये लाइफ में सारे काम इसकी करता है। हाँ। अब आपके साथ जो सीन होंगे ना वहाँ पे, हाँ। अब आपको किस्सा शेयर करना, मतलब बहुत डेंजरस सीन होंगे। मैं वो सीन सबको बताना। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, जो भी आपका लोग देख रहे हैं या जितने भी यूट्यूबर आपका लोग देखे, अगर ऐसा लोग कभी कॉर्बेट के ऊपर आया हो तो ये मेरा चैलेंज रहे। मतलब वहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे ये पूछिए। जंगल के अंदर ट्रैकिंग सबसे जबरदस्त, सबसे खतरनाक, जहाँ पे हम सफारी करते हैं वहाँ पे ट्रैकिंग। हम ट्रैकिंग उस जोन में करेंगे जो अनछुआ जंगल होगा, जहाँ पे बंदा ना बंदे की जात। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है भाई साहब। गाइस भैया कह रहे हैं मतलब वो जंगल एक्सप्लोर करेंगे ट्रैकिंग पे जो अनछुआ है, जहाँ पे कोई बंदा जाता ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी। खौफनाक होने वाला सीन, खौफनाक और खतरनाक, और ये बिल्कुल बनावटी बातें नहीं है। ये मत, जिम्मेदारी हमारी, जैसे जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे। मैं कह रहा हूँ बंदों को काउंटिंग करके भेजना और काउंटिंग करके रिटर्न करें। हाँ, एक भी कम नहीं होगा हमें से। काम तो सारे करो लेकिन सेफ्टी के साथ। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने जैसे अपने पता 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, मिट्टी, पग मार्क्स, एनिमल्स, बर्ड्स, हर एक मूवमेंट देख के बता सकते हैं कि एनिमल निकला है या निकलने वाला है। बाकी जंगल है, कुछ भी हो सकता है। हकीकत में अगर जंगल को फील करना है, जंगल की पीस को फील करना है, ब्यूटी को फील करना है, तो ये लोग आपका सुपर डुपर होने वाला है। उसमें कोई गवर्नमेंट की परमिशन वगैरह कुछ? गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। गवर्नमेंट कभी, अभी तो क्या है कि वहाँ पे जैसे टाइगर ने किल किए हैं, हाँ। 2 दिन किल किए हैं, लेकिन वो टाइगर पकड़ लिया है अभी, हम 10-15 दिन पहले इंसानों को मारे टाइगर ने। हाँ, वो अच्छा। तो वो क्या कर रहा था, वो प्रॉपर्टी के अंदर गाँव में जाके अटैक कर रहा था। जैसे उसने सुबह 62 साल का एक बुजुर्ग उठा लिया। अच्छा। वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, मॉर्निंग वॉक निकल के वो फिर निकल ही गए, यानी कि चौकन्ने रहते। अच्छा, सेफ्टी के लिए गन वन वगैरह सब कुछ? गन अलाउड ही नहीं, गन भी नहीं है। सबसे बड़ी हथियार है, मैं आपके ब्लॉग पे भी बोलना चाहता हूँ, भगवान
से दूंगा। जिप्सी के अंदर नाइट सफारी कराएंगे आपको। नाइट सफारी गाइस, भैया कह रहे हैं रात को भी जंगल में जाएंगे, रात को नाइट सफारी करेंगे। गाइस भैया ना भाई, साथ में डॉग्स को भी लेके जाएंगे, जो बहुत दिलदार डॉग्स हैं, जो हमारे साथ में ही जाएंगे सफारी पे, ट्रैकिंग वगैरह पे। ऐसा है, हमारे डॉग्स बिल्कुल वेल ट्रेन्ड है, जंगल का चप्पा चप्पा और हर एक मूवमेंट को जानते हैं वो, तो हमें पता है कि डॉग कब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डॉग को हमारा और हमको डॉग का। ये तैयार है फिर जंगल में जाने के लिए? अगर शेर आ गया तो तेरे को आगे कर दे, शेर के आगे तेरे को कर दे, डरेगा नहीं? गाइस मैं कह रहा हूँ भाई, शेर आगे आएगा ना तो तेरे को आगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए का एफिडेविट पे ना भाई का जो भी नाम इसके साइन करवा लेना। हाँ। ये डरेगा या नहीं डरेगा? जब सच में आगे आएगा तो क्या करेगा ये? ये कुछ नहीं करेगा, वो करेगा। ये कर भी कुछ नहीं सकता सिवाय भागने के, भागने इसको वो देगा। गाइस पापा को पूरी तसल्ली होगी, पूरी तसल्ली होगी ना आपको सेफ्टी के लिए? अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं अब तक, बिल्कुल चलते हैं ठीक है। अब देख लो गाइस, पूरा कंफर्म हो गया है। गाइस मेरे को लग रहा था पापा जाने नहीं देंगे, पर देख लो गाइस फाइनल हो गया भाई जंगल में जाने का। गाइस ये तो भाई सारे छोटे मोटे जंगल है, इस बार रियल वाले बड़े वाले जंगल में जाएंगे। सिर्फ टाइगर का डर नहीं है गाइस, जंगल में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सांप, जंगली सुअर और ऐसी ऐसी चीजें गाइस जो मतलब अनडिस्कवर्ड है चीजें। गाइस जंगल बहुत खतरनाक है भाई, ऐसे ऐसे जानवर, ऐसे ऐसी खतरनाक चीजें, चिड़िया पक्षी, वाइल्ड एनिमल्स गाइस बहुत खतरनाक होता है, चाहे जंगली कुत्ता ही ना हो। तो देख लो गाइस, मतलब रात को ट्रैकिंग वगैरह देख लो गाइस, पिछली बार जीप सफारी में गए थे, इस बार पैदल जाएंगे और ऐसी जगह जाएंगे गाइस जहाँ पे ना इंसान ना इंसान की जात, जहाँ पे इंसान गए भी नहीं जिम कॉर्बेट के अंदर, वहां जाएंगे गाइस। पूरा डेंजरस सीन होने वाला है, सारी गवर्नमेंट की परमिशन वगैरह गाइस, मतलब बहुत मुश्किल चीजें हैं, पर गाइस सारी चीजें करके जाएंगे भाई। गाइस मतलब सोच के अजीब से गूज़बम सारे, डर लग रहा है, कभी भी नहीं गए गाइस ऐसी जगह पे। गाइस लाइफ में पहली बार जा रहा हूँ और बहुत मन था करने का, पर गाइस मैं ये सोच के रुक जाता था भाई कि गवर्नमेंट की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। गाइस गवर्नमेंट सिर्फ गाड़ियों में जाना अलाउ करती है, पर इतना सोचा नहीं था गाइस कभी जा पाएंगे ऐसे रात को ट्रैकिंग पे। अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है, पहले नहीं लग रहा, पहले नहीं लग रहा था। गाइस भाई ने एक चीज बोली है कि भाई ऐसे बंदों को लेके मत जाना साथ में जो डरते हैं, क्योंकि गाइस काफी बार ऐसा हो चुका कि जो भी इनके साथ में जाते हैं ना भाई वो डर के भागने लग जाते हैं, और जो जंगल में गाइस भागता है ना वो कभी मिलता भी नहीं है, क्योंकि जंगल भाई ये जंगल नहीं है, वो जिम कॉर्बेट है जहाँ पे आदमी खाने वाले टाइगर घूमते हैं। गाइस हम डरपोक आदमियों को लेके नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, सिर्फ ऐसे जाएंगे जो भाई फेस कर सकते हैं सारी चीजें। गाइस छोटी चीज नहीं है भाई। गाइस मैं इस एडवेंचर के लिए तरस रहा था, फाइनली ये करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, सही है, ठीक है, सेफ्टी सुन के अच्छा लगा भी, ठीक है। गाइस कोई कितने भी पैसे लगा ले पर ये चीज है भाई सब नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, क्योंकि इसके लिए ना भाई ब्रेवरी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रेव होना चाहिए, लक होना चाहिए, परमिशन गवर्नमेंट की, काफी सारी चीजें होती है गाइस, सारी चीजें जब मिलती है तब हो पाती है चीजें। बाकी गाइस अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मामा के, क्योंकि मम्मी का फोन आया। गाइस विक्की की हल्दी है आज, जो शादी में हल्दी होती है ना, हल्दी लगाते हैं। गाइस यहाँ पे भाई बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं, तो उनके बीच में से ड्रोन उड़ाते हैं भाई, देखते हैं ड्रोन को तोड़ते हैं नहीं तोड़ते। भाई रिस्क ले रहा है गाइस ड्रोन की, भाई तोड़ देंगे नहीं, दिमाग में आके ड्रोन तोड़ देंगे भाई। इनके बीच में एक्शन ड्रोन भेजते हैं भाई, इनको लगेगी नहीं एक्शन ड्रोन से। ये देख लो गाइस लिटरली कितने सारे कबूतर, ओ भाई साहब मजे आने वाले हैं भाई। भाई साहब बिल्कुल ड्रोन बीच में लेगा कबूतर के। ओ भाई पकड़ पकड़ाई चल रही है गाइस यहां पे कबूतरों के साथ। देख लो गाइस रिया भी खड़ी है भाई बाहर। भाई साहब होली खेलेंगे भाई साहब। गाइस अब होली चल रही है भाई, हल्दी हो रही है ना। बंटी ने लगा दिया गाइस, बंटी ने भाई होली नहीं है, होली नहीं है भाई, होली नहीं खेल रहा मैं तो, हाथ तो धो लूं मैं, हाथ धो ली नहीं है। एक टिका, एक टिका, ठीक है। होली 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 पकड़ ले, नाराज नहीं होते। ओ कल तो पहले आए कपड़े, कल तो पहले आए ज्यादा मैं गाइस मामा जी सबको लगा रहे भाई।
ये देख लो गाइस, अजय ढोलक लेके आया भाई, ढोलक बजाएगा शादी में। अब गाइस ये बजाएगा भाई, देखते कौन अच्छा ढोलक बजाता है। अजय ने अच्छा बजाया, अजय ने अच्छा बजाया भाई। गाइस मैं भी ट्राई करके देखता हूँ भाई कैसा होता है ढोलक। गाइस अजय ने सारे काम किए हैं, पहले ये ढोलक भी बजाता था शादी में, कीर्तन बजाता था ये, कीर्तन में मैंने खुद देखा है भाई, सारे काम करे हैं मैंने भी देखा था तेरी बहुत। अब ये आगे तो ढोलने में चलता था। लगी क्या, छोड़ तो दे, क्या हो गया, क्या हो गया, ये किसके काम है, छिट्टू के काम से भाई। सीन कर दिया गाइस, इसके आंखों में मेहंदी लगा दी, मुंह में गाइस सीन कर दिया भाई इसके साथ तो भाई। अंधा भी हो सकता है तू, अंधा करियल ये देख लो गाइस, हमारी गैंग वाले मिलने आए हैं और ये पूछ रही है अजय रोता क्यों रहता है, क्यों रोता रहता है अजय। अजय बता भाई रोता क्यों रहता है, मैं कब रोता हूं यार, मैं कब रोता हूं, रोता रहता है सुबह तो रोते रहते हैं, पकड़ने वाली मशीन में तो ले जाए अजय, देखा रहा झूठ पकड़ने वाली मशीन, रो के रहा था, करंट लग रहा था तो, हां रो के रहा था, कब रो रहा था, ये तेरा नंबर मांग रही है ना भाई, मैं तो अजय को पूछ रही है भाई बार बार, अजय किधर है, अजय इधर आ गाइस, अजय को पूछ रही है भाई बार बार, ये आपका नंबर मांग रही है, अजय रो रहा है, रो रहा है, हाँ मुंह धो गया, हाँ ना भी मैं, रो रहा है, नंबर दे दे, ना नंबर नहीं मिला, सिच ऑफ मेरा फोन, सिम ही तोड़ रखी है मैंने, भाई मैं कुछ बात करनी है तेरे से, सिम ही तोड़ दी मैंने, तो मैं कहता मोमोज लेने, सबने मोमोज मंगाया भाई, बढ़िया भी है बिल्कुल, लेके हम खा के मजा आ जाएगा मोमोज, बढ़िया बहुत टेस्टी है गाइस, दिल्ली में हर जगह गैंग वाले भाई मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल गए। तो गाइस फाइनली भाई 10 बज गया रात के और यहाँ पे पूरी मस्ती डांस वगैरह सब कर लिया, और गाइस ना भाई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे रुकने वाला था गाइस, अब ना भाई 12 1 2 बजे तक डांस करेंगे और पूरी मस्ती करेंगे गाइस, मेरे को एडिटिंग भी करनी है तो घर जाना पड़ेगा। ये देख लो गाइस अभी भी डांस कर रहे हैं भाई सारे मिलके भाई, गाइस कोई भी नहीं रुक रहा भाई, सब डांस कर रहे हैं यहाँ पे, चलो भाई भैया कल की बारात है भाई, मजा आएंगे कल भाई बारात में, पूरा नाचेंगे, विक्की की शादी है भाई, मजा करेंगे ना, बाय बाय मम्मी, कल सब अपने अपनी घोड़ी लिया है बारात के लिए, सही हो जाएगा, चलो बाय बाय बाय, चलो बाय भैया, बाय बाय भैया, वो फोन गिर गया, ओ भाई मुंह पे लग गया, दिखाना इतना जोर की थोड़ी मारते हैं भाई, ये हो गया भी लग गया, मैं बाय कर रहा ना, मैं नहीं नहीं सके सके सके, मैं सोचा आपने टाइट पकड़ाएगा, चलो बाय, ओके ब्रो बाय बाय बाय, बाय ब्रो, अरे बोलो ऐसे करो, सॉरी भैया, बाकी गाइस फिलहाल मैं आ गया हूं घर पे, और ये देख लो गाइस जैसे मैं दुबई से आया ना गाइस, मेरे साथ फिर से घर में एक सीन हो गया गाइस, कल मैं रात को सो रहा था और मतलब सोते सोते ना गाइस मतलब मेरे को कुछ फील हुआ, और पता भी नहीं गाइस मैं रात को क्या कर रहा था, बस मुझे फील हुआ था कि कुछ मैंने किया है, कैमरे में भाई सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, मैंने कुछ किया था गाइस, अभी ना भाई सारे मिलके देख रहे हैं मैं रात को क्या कर रहा था गाइस, बहुत अजीब सीन हो गया मेरे साथ में, बस फील हुआ था मैं कुछ कर रहा हूं, पर सुबह उठ के मैंने जब देखा ना भाई गाइस, तब मेरे को लगा भाई कुछ गलत हो रहा है भाई घर में, ये देख लो गाइस, गाइस अब देख लो भाई ये वाली आवाज घर में आती है हमारे, ये वाली आवाज है, ये घर से बाहर की आवाज नहीं लग रही है बिल्कुल, घर के अंदर की आवाज लग रही है, घर के अंदर भी रूम के अंदर की आवाज लग रही है बिल्कुल ही, तुम तो सो रहे थे ना भाई उस टाइम नीचे, गाइस नीचे अरमान अनुराग और अजय सो रहे हैं तीनों, ऊपर सिर्फ मैं सो रहा हूँ, और गाइज मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं किसी को ढूंढ रहा था, और मुझे पता भी नहीं मैं किसको ढूंढ रहा था, बस इतना मैं किसी को ढूंढ रहा था, जब मैं सुबह उठा ना भाई तभी पता चला मैं ये सब हरकतें कर रहा था, अभी देखना गाइज मैं क्या करूंगा, देखो ये मैं ब्लैंकेट उड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ भाई चीजों को, thank you.
देख लो गाइस, मतलब मैं इतनी देर तक क्या क्या कर रहा हूँ गाइस। अब मैं सो गया पता है ये सब करके। अब देख लो गाइस ये सीन हो रहा है, मेरे साथ हो चुका है, अरमान के साथ हो चुका है और किसी के साथ नहीं हुआ। अजय को आवाजें आ चुकी है, शिट्टू को आवाजें आ चुकी है, हाँ इसको भी आ चुके हैं भाई। और तेरे को भी फील हुआ था ना नींद वाला? तो नींद वाला तो मैं तो पता नहीं क्या करने गरबा करने लग गया था। अब देख लो गाइस बहुत बुरा सीन है गाइस, घर में ना भाई किसी पंडित को बुलाएंगे किसी दिन और फिर देखते भाई क्या होता है घर के अंदर। गाइस ये चीज रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कैमरा लगाया था और अब देख लो भाई सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है कैमरे में। बाकी गाइस कल फाइनली विक्की की शादी है, बारात में जाएंगे और गाइस कल हमें शॉपिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि जिम कॉर्बेट के अंदर जा रहे हैं ना और डेंजरस टाइगर्स है उसमें आदमी खाने वाले, तो उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी गाइस हमें पहले ही। और गाइस लाइफ में ना भाई ये पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा, इससे पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये जो जंगल वंगल है ना गाइस ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। जिम कॉर्बेट के बारे में सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, रशियन इटालियन सब आते हैं। और गाइस हम नॉर्मल वाला ट्रैवल नहीं करेंगे, वहां पे बहुत डेंजरस वाला ट्रैवल करेंगे गाइस। अभी से ही सोच सोच के डर लग रहा है। और गाइस देख लेना मतलब जितने भी यूट्यूबर्स है ना गाइस बहुत कम लोगों ने किया होगा और मैं तो देखा ही नहीं गाइस किसने किया है ये सब, कि जिम कॉर्बेट में ऐसे ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट में लोग माउंटेन्स पे वादियों में ट्रैकिंग करते हैं, हम गाइस जिम कॉर्बेट के अंदर ट्रैकिंग करेंगे, अलग ही सीन होने वाला है। बाकी गाइस अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, रात के 12 बजने वाले हैं और फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग और फिलहाल वीडियो को हिपेंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।